ओके सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गेट ग्लोब पे। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम अभी करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आ रखे हैं पूरी की पूरी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, यानी कि आज भी इस सीरीज में मैं आपको करंट अफेयर्स का आगे का पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट टाइम हमने इसरो की सीरीज करी थी, आज हम DRDO के ऊपर बात करेंगे। ओके बॉस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ठीक है, आगे चलने से मैंने आपको बताया था, मेरा नाम है अतुल वैश, आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक आपके जैसे हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ गेट ईएस और डिफरेंट पीएसयूज के एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट आप लोग होने चाहिए। आगे चलते हैं, मैं बता दूँ आपको जल्दी से यार कि ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं और आप लगातार अपडेट चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल के या फिर कोई और भी हम जो काम लेके आ रहे हैं ऑनलाइन आपके लिए, या फिर कुछ टेस्ट वगैरह चलते हैं, या फिर आपके क्विजेस चल रहे हैं, या फिर जो भी अच्छा कंटेंट आपका आने वाला है वो सब कुछ आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाता है। आप में से मोस्टली बच्चे यहाँ पे होंगे, बट जो नहीं है वो यहाँ पे आ जाइए और इन सब एंडेवर्स का फायदा उठाइए यार, ऑफकोर्स, ठीक है। ये हमारा फेसबुक पेज, यहाँ पे आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अतुल फॉर गेट आप सर्च करेंगे, अतुल एच गेट फैकल्टी आप सर्च करेंगे, आपको ये पेज मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी आपके सजेशन है, कुछ भी बात आप कहना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, आप मेरे को यहाँ पे आगे बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं आज DRDO की सीरीज, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि DRDO में रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है ईएस के लिए, ठीक है, मतलब कि इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए या फिर बाकी के एग्जामिनेशन में भी जहाँ पे भी आपका करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। हम देख रहे हैं यार, पहली चीज जो आती है सामने वो है DRDO ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है कि इसे फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को, ठीक है ना, AIP उसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। अभी रिसेंटली DRDO ने किया है, देखिए जरा ये न्यूज मैं आपको पढ़ के बताता हूँ फटाफट से। DRDO ने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है जहाँ पे उसने AIP को टेस्ट किया है। AIP क्या है सर, ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या है, घबराने की बात नहीं, अभी बता रहा हूँ यार इसके बारे में कि है क्या। बेसिकली ये सबमरीन में यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, क्या यूज होता है, इसके क्या यूज नहीं है, सब कुछ बता रहा हूँ इन डेप्थ में, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये करता क्या है यार कि लैंड बेस्ड, अभी क्या करा है इन्होंने कि लैंड बेस्ड जो प्रोटोटाइप इसका लॉन्च करा है, ठीक है ना, कब, 8 मार्च 2021 को, मतलब कि अभी समुद्र में जाकर नहीं है, लैंड बेस्ड इसका जो है प्रोटोटाइप उसको ये चेक कर रहे हैं लगातार, ठीक है ना। और ठीक है, चेकिंग वैकिंग हो चुकी है, तो जो उनके टारगेट थे वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। अब ये फ्यूल बेस्ड AIP है क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बारे में जानने से पहले ना यार एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबमरीन जो है ना, सबमरीन यानी कि जिसको हम हिंदी बोलते हैं क्या, पनडुब्बी, ऑफकोर्स, जो नीचे डूब के चलती है पानी के अंदर, जिसके बारे में आप जानते भी हैं। बेसिकली होता क्या है कि वो, उसका काम होता है कि वो चुपचाप जाए, है ना, साइलेंट किलर भी कहते हैं उसे, है ना, क्या नाम है उसका एक बार, साइलेंट किलर। वो चुपचाप जाए और जा करके कहीं पे भी जो ओशियन है आपके, इंटरनेशनल ओशियन, दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाए, यानी कि उसके जो यान आ रहे हैं, उसके जो विमान आ रहे हैं, उसका जो जहाज आ रहे हैं उसको जाके इंटरसेप्ट करे, ठीक है। तो इसका शांत होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, मतलब समझ में आया नहीं आया। तो पनडुब्बी का बेसिक काम ही है कि वो शांत रहे, ठीक है, यानी कि यार रडार तो काम नहीं करता, क्या काम करता है, नीचे सुनार है ना, तो उससे बच के चले वो ऑफकोर्स, ठीक है, और कम से कम शोर करे, ये उसका बेसिक काम होता है, ठीक है। तो इस चीज को जरा ध्यान में रखते हुए मैं बताता हूँ कि आपको ये जो सबमरीन है ना यार, ये दो टाइप की होती है, ठीक है, सबमरीन दो टाइप की होती है, बता दे रहा हूँ पहले आपको आराम से, ठीक है ना। एक तो होती है आपकी कन्वेंशनल जो कि काफी टाइम से चली आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जर्मनी की यू बोट्स के बारे में सुना होगा, इसका एक नाम यू बोट भी है, यू बोट कहीं पे लिखा है तब उसका नाम मतलब भी क्या होता है, सबमरीन है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बड़ी खतरनाक होती थी, है ना। पाकिस्तान की भी एक सबमरीन थी, उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, जिसको डुबाया गया था बहुत खतरनाक तरीके से हमारे, और उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है ना, जानते हो। तो एक ऑफकोर्स नाम नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ सबके कमेंट्स। तो कन्वेंशनल होती है और एक होती है न्यूक्लियर, एक कन्वेंशनल होती है और एक होती है न्यूक्लियर, ठीक है बॉस। तो कन्वेंशनल मतलब जो कन्वेंशनल तरीकों से चलती है, ठीक है ना, डीजल पे, पेट्रोल पे, अरे सिंपल बोलने की भाषा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन्स वगैरह, मोटर्स वगैरह लगी होती है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर फ्यूल से उसको पावर मिलती है, कहने का मतलब सिर्फ चलने के लिए नहीं यार, इंजन को रन करने के लिए नहीं, बाकी के ऑपरेशन के लिए भी इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत होती है, ठीक है ना। मैकेनिकल, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं बाद में, वो जरूरत होती है। तो और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, काफी कुछ चीजें होती हैं जो उसको स्टेल्थ रखने में, यानी कि छुपा रहने में हेल्प करती है, उसके लिए उसको काफी सारी ताकत की जरूरत होती है। तो वो ताकत कहाँ से आती है, वो कन्वेंशनल तरीकों से आ रही है, यानी कि डीजल से आ रही है, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर से आ रही है, जो कि आपकी मतलब कि यार
सीधा सोलर से वो एनर्जी आ रही है, मतलब कि उसको चार्ज कर रहे हो ऊपर जा करके, या फिर किसी वे से आ रही है, वो कन्वेंशनल वे अगर है तो वो कन्वेंशनल सबमरीन कहती है, अगर वो न्यूक्लियर तरीके से आ रही है तो वो न्यूक्लियर सबमरीन कहती है। अब दिक्कत ये है कि कन्वेंशनल में आवाज़ बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए सबमरीन लेकर के आए थे न्यूक्लियर, जो कि बहुत खतरनाक मानी जाती है, काफ़ी टाइम तक इन डेप्थ नीचे रह सकती है पानी के, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज, उसका काम ही है ना सबसे ज़्यादा टाइम तक नीचे रहना। लेकिन कन्वेंशनल के साथ दिक्कत एक होती थी यार, क्या होती थी कन्वेंशनल दिक्कत, अभी बताता हूँ, आओ देखो दिक्कत ये थी, ये रही हमारी एक कन्वेंशनल सबमरीन, आप इसको देख सकते हैं अगर, तो होता क्या है यार कि इसके ऊपर ना इस तरीके से नोजल वगैरह लगे होते हैं। देखो क्या कह रहा है वो यहाँ पे वो साफ साफ बताएगा आपको, ठीक है ना, ये सब चीजें जो आपके ऊपर लगी हुई हैं, होता क्या है मैं समझा दे रहा हूँ आपको भी, ठीक है ना। इसमें क्या लगा होता है यार, इसमें ऊपर ये जो नोजल्स वगैरह लगे होते हैं, मतलब उसको टाइम टाइम पे ना ऊपर आने की जरूरत पड़ती है इस तरीके से, जैसे कि ओशियन की जो सतह है उससे उसको ऊपर आने की जरूरत पड़ती है, जो पानी का लेवल है सी लेवल है उससे ऊपर आने की जरूरत पड़ती है, क्यों, ताकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में है, इसका सरफेस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के संपर्क में है, चार्ज कर पाए अपनी बैटरीज को, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के लिए से ऑलमोस्ट रोज ही आने की जरूरत पड़ती है जो कन्वेंशनल वाली है, जबकि न्यूक्लियर को बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए न्यूक्लियर क्योंकि बार बार ऊपर आ नहीं सकती है, उसको आप सैटेलाइट से नहीं देख पाते हो, स्पाई जो सैटेलाइट होता है आपके, तो इसलिए वो बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन अब कन्वेंशनल को भी जबरदस्त बनाने की तैयारी होगी, इंडिया हमेशा से स्मार्ट ही रहा है, तो ठीक है न्यूक्लियर सबमरीन भी है हमारे पास, ऐसा ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हमारी सिंपल सबमरीन है, यानी कि जो हमारी कालावारी क्लास की सबमरीन है, आपने नाम सुना होगा पक्का, कालावारी क्लास की जो हमारी इंडियन सबमरीन है, ये जो कन्वेंशनल सबमरीन है इसके अंदर ये सिस्टम यानी कि AIP सिस्टम को लगाने की शुरुआत हो चुकी है, ये कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे जो कन्वेंशनल सबमरीन है उसको बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि अंदर ही मतलब नीचे रहते हुए उसकी बैटरी भी चार्ज करेगा, ऑक्सीजन ही बनाएगा, मतलब एवरीथिंग इज देयर यार, बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं है, बार बार सरफेस पे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो यही बात यहाँ पे वो बता रहे कि वाइल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ AIP सिस्टम बीइंग परस्यूड इंटरनेशनली, ठीक है ना, फ्यूल सेल बेस्ड AIP जो कि अभी इंडिया ने यूज करा है, किसने, NMRL ने, ठीक है ना, उसने क्या करा कि ये यूनिक है अपने आप में, ठीक है, ये हाइड्रोजन जनरेट करता है ऑन बोर्ड, है ना, हाइड्रोजन जो बेसिक कंपोनेंट है पानी का, ऑक्सीजन का, है ना, ऑफकोर्स मतलब वहां से अलग होती है यार, ऑफकोर्स किस तरह से करता है मैं बताऊंगा, टेक्निकल चीजें हैं इसके अंदर, बट ऑफकोर्स उतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको, आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है ना। सो बेसिकली द टेक्नोलॉजी हैज बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड विद द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्टनर L&T, है ना, लार्सन एंड टुब्रो जानते हो, एंड थर्मिक्स। It has now reached the stage of maturity for fitment into target vessels, यानी कि इसको कालावेरी क्लास की हमारी सबमरीन्स के अंदर लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना गया और लगाना शुरू भी कर दिया गया है। ये रहा सिस्टम, देखो इस टाइप का होता है ये, ठीक है ना, ये रहा इस तरीके से ये लगाया जाएगा हमारी कन्वेंशनल सबमरीन्स के अंदर। इसके अंदर एक फ्यूल सेल होता है, हाइड्रोजन जनरेटर होगा, लिक्विड ऑक्सीजन के लिए टैंक बना होगा, स्टोरेज टैंक वगैरह यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि मेरे पीछे छुप गया हो, बट कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन की बात नहीं, समझ चुके हो आप क्या हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आप बिल्कुल जाके तो नहीं बताऊंगा, टेक्निकल क्लास नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जनरेशन हो रहा है बेसिकली, और फ्यूल सेल्स लगे हुए हैं इसके अंदर, देखिए यहाँ पे ये फ्यूल सेल्स लगे हुए हैं, ये फ्यूल सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इसका जनरेशन अंदर ही कर रहे हैं, इसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं बार बार अपने इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए, अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली चीज जो आई है DRDO के अंदर, DRDO ने डेवलप करा एक लैंडिंग गियर सिस्टम फॉर अनमैंड, फॉर ऑफकोर्स अनमैंड एरियल व्हीकल्स, और नेवी को दे दिया ऐसा करके, है ना, UAV नाम सुना होगा, इंडिया में कब से इसका डेवलपमेंट चल रहा है, इंडिया में चल रहा है सन 2016 से, ड्रोन्स का नाम सुना होगा ना, जिसने यार ओसामा बिन लादेन के ऊपर बहुत ज्यादा बम गिराए थे, अमेरिका के ड्रोन्स बड़े खतरनाक ताकतवर है ना, तो अनमैंड एयर व्हीकल आपके ये होते हैं, ठीक है ना, बड़े खतरनाक, इसमें आपका कोई पायलट नहीं बैठता है, पायलट नहीं बैठता तो इसलिए वो लैंडिंग है ना इतनी स्मूथ नहीं हो पाती, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, पायलट नहीं बैठा होगा, अब वो बैठा है अंदर तो कहेगा यार आराम से ना, धक्का ना लगे, बड़ी प्यार से उतारेगा, बट होता क्या है कि ठीक है चलो कह रही तो मजाक की बात होगी, बट हाँ सीरियसली ये होता क्या है कि इसको कई बार कई रैश टेरेंस में उतरना पड़ सकता है, समझ रहे हो ना, मतलब क्योंकि ये तो स्पाई का ही काम करता है बेसिकली, ठीक है ना, या फिर जाकर के मतलब कि इंटरसेप्ट करेगा, अंदर जाकर के मार के आएगा, ठीक है, तो वहां पे जाकर के जो ये काम करता है उसके लिए इसको कई बार किसी हार्श मतलब किसी भी सरफेस पे उतरने के लिए इसको बनाना इसको इसको मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए, और आदमी तो कोई होता नहीं इसमें, तो इसकी हार्श लैंडिंग भी हो सकती है, तो इस हार्श लैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए फाइनली DRDO ने डेवलप करा एक लैंडिंग गियर, रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर जो कि बाहर है, ये इसकी तस्वीर है यार जो इंडिया ने डेवलप करा है, ठीक है ना। ये जो होता है ये अनमैंड एरियल व्हीकल्स के लिए होता है, ठीक है ना, जो आपके ड्रोन्स जो आप सिंपल भाषा में कहते हो, ठीक है ना, और इसको किसने बनाया, DRDO ने बनाया है और नेवी को कर दिया है, ये है क्या, CVRDE, ठीक है ना, CVRDE
क्या होता है ये आपका है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, इसको देख के रखिएगा, इसने करा है ऐसे, है ना, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, है ना, ये है यूनिट है ये डीआरडीओ की, इसने इसको बनाया है और यही आपका इसको हैंड ओवर कर, ऑफकोर्स डीआरडीओ के साथ हैंड ओवर हो गए और इसने आपको कराया। तो ये बेसिकली आत्मनिर्भर जो प्रोग्राम अभी भारत का चल रहा है उसके अंतर्गत ही इसको डेवलप करा गया, किसके लिए, तपस के लिए, है ना, इसके लिए करा गया तपस के लिए, जो हमारा इंडिया का ड्रोन है ना, इसका एक नाम और है, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज मत होना, इसी का नाम है, किसका नाम है, तपस का ही नाम है, रुस्तम टू, रुस्तम टू भी इसको कहते हैं, ठीक है, तो तपस बोल लो या फिर रुस्तम टू बोल लो आप, दोनों के दोनों एक ही बात है, कोई अलग अलग बात है नहीं है, दोनों के दोनों एक ही चीज़ है, एंड ऑफकोर्स अनमैंड एरियल व्हीकल्स है। आगे चले, ठीक है, अगली जो न्यूज आई है यार वो है कि डीआरडीओ ने फर्स्ट टेस्ट कर लिया है आकाश एनजी मिसाइल का, सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है भैया। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को आकाश एनजी क्या है। ऑफकोर्स आकाश वन का नाम सुना होगा आपने, आकाश मिसाइल्स का नाम सुना होगा, ये क्या है, ये डिफेंस के लिए यूज होने वाली मिसाइल्स है, अटैक के लिए मिसाइल्स नहीं है, ठीक है ना, ये प्रोटेक्टिव सिस्टम है। जैसे अभी एक बहुत जबरदस्त प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है आपका आपका न्यूज में रहा था इसराइल की तरफ से, क्या था उसका नाम, आयरन डोम, याद है ना, आयरन डोम, जब यार लगातार हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, तो आयरन मतलब हजारों की संख्या में मिसाइल्स दागे गए थे इसराइल के ऊपर, लेकिन इसराइल ने उस सबको डिफेंस कर लिया था क्योंकि उसके पास क्या था, आयरन डोम, मतलब वो जो मिसाइल्स आ रही थी ना गाजा पट्टी की साइड से, वो हवा में ही उसको उड़ा दे रहे थे भैया, मतलब बहुत कम गिरी है, कुछ नीचे गिरी है, बहुत कम गिरी है, हजारों मिसाइल्स को तो हवा में खत्म कर दिया। तो ऐसे इंडिया का अपना डिफेंस सिस्टम था आकाश, तो उसी के अंदर एक नया डेवलपमेंट आया है, उसको बोलते हैं आकाश एनजी, मींस न्यू जनरेशन। सो बेसिकली डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द मिसाइल ऑन 25th of January 2021, 25 January 2021 डेट याद रखेंगे, इसको उसने लॉन्च करा है 2:30 बजे और इसने इसको टेस्ट करा है इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स के साथ, ठीक है ना। सो इंडियन आर्मी ने और इन्होंने बना दिया है ऐसे लगातार, ठीक है ना, और इसका जो फाइनल टेस्ट हुआ है आकाश एनजी का 23 मार्च 2021 को है, एंड द लॉन्च ये वाला जो लॉन्च था इसने सारे के सारे टेस्ट ऑब्जेक्टिव को मीट कर लिया, जितने भी मैन्यूवर्स थे सारे कंप्लीट करें। तो बेसिकली होता क्या है कि यार ये आकाश मिसाइल जो है आपकी, जो आकाश एनजी इस तरीके से कुछ आपकी स्लांट होके मतलब किसी एंगल के ऊपर रहती है, और जो आपका दुश्मन कंट्री है, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान चाइना, ठीक है ना, यहाँ से आपके कोई मिसाइल आ रहे हैं तो यहाँ से उड़ के जाएगा शू एकदम से, और ठीक है यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा होगा रामायण महाभारत में कि आपस में इस तरह से टकरा रहे हैं, ऐसे नहीं होता, ये होता क्या है कि यहाँ से कोई आ रहा है, अगर मिसाइल आ रहा है कोई, तो ये वाला मिसाइल जाके इसके पास जाकर के बस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पास जाकर के फूट जाएगा, क्या होगा, बस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, तो इससे इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, जो इसको आगे 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 फटना था ना वो वहीं पे फट जाएगी वाली मिसाइल, दुश्मन देश की मिसाइल। तो बेसिकली इसका काम ये होता है, डिफेंस सिस्टम है ये आकाश, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने स्पेशल करके बताई है आपको, क्या कि स्लांट रहता है थोड़ा सा ना इस तरीके से, कुछ एंगल पे 45-30 डिग्री जो भी है एंगल पे रहता है ना, ये मैं क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि एक सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में ऐसा, है ना, नीचे जरा मेरे को कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बता रहा, एक सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में ऐसा जो कि इतना डेवलप है कि मतलब बढ़िया, जो कि वर्टिकली लॉन्च होता है और जो कि 360 में कर सकता है, ये वाला जो होता है ना, ये आकाश वाला या जो भी हमारा सिस्टम इंडिया के पास अभी है अपने आप को मिसाइल के अटैक से बचाने के लिए, वो क्या है यार, वो किसी मतलब कि इस तरीके से लगाएंगे उसे ना, स्लांट करके थोड़ा सा, कहने का मतलब वो जो है पीछे से मिसाइल्स आती हैं अगर कोई, तो उसको नहीं देख सकता, मतलब 360 का कवर नहीं करता ये, 210 आई थिंक इतना कुछ कवर करता है, सामने का इलाका बहुत बड़ा, लेकिन 360 कवरमेंट इसमें नहीं होता है। कई लोग कहेंगे जरूरत भी नहीं है, ठीक है हाँ जरूरत भी नहीं है यार अभी, लेकिन हाँ ऑफकोर्स अगर सुपीरियरिटी चाहिए तो ऑफकोर्स एक मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम था जो इंडिया में आने की बात चल रही है, जानते हो ना क्या है वो है S-400 है ना, किसका, रशिया का, जानते हो ना रशिया का, बड़ा खतरनाक है। एंड ऑफकोर्स ये जब इंडिया में आ जाएगा ये कैसा होता है, ये वर्टिकली लॉन्च होता है भाई, इसको स्लांट नहीं लगाते हैं, वर्टिकली लॉन्च देखा होगा ना यार मिसाइल्स वगैरह ट्रक वगैरह पे, वीडियो अगर बोलोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगी, लेकिन जाके चेक करोगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, वर्टिकली लॉन्च होता है, जैसे हमारी ब्रह्मोस होती है वर्टिकली लॉन्च, वर्टिकली लॉन्च होता है और फिर मिसाइल कहीं से भी आए, है ना, पूरा कहीं से भी आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, ये भैया हवा में उसे खत्म कर देगा, इसे कोई चक्कर नहीं है, और इसकी 400 मतलब 400 किलोमीटर रेंज होती है, बहुत बड़ा रेंज का है, वर्ल्ड का सबसे ताकतवर है ये अभी तक, जो इंडिया को रशिया ने देने की बात करी थी, है ना, जब भी चाइना के साथ पंगा चल रहा था, ठीक है ना, चलता ही रहता है यार पंगा, कोई इशू वाली बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। तो समझ में आया आकाश क्या है, तो आकाश एनजी मिसाइल ही है, तो ये न्यू जनरेशन में क्या करा है इसने वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, आकाश तो पहले भी थी, तो न्यू जनरेशन ने क्या करा है, आकाश न्यू जनरेशन एब्रीवेटेड एज आकाश एनजी इज अ मीडियम रेंज, है मीडियम रेंज, बहुत हाई रेंज की नहीं है, मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप बाय द डीआरडीओ। तो भैया ये मोबाइल है, यानी कि इसको ट्रक पे रखो, इसको आप अलग अलग व्हीकल्स पे रखो और इसको ले जाके कहीं पे भी सेट कर दो, अभी फिलहाल चाइना के बॉर्डर पे ये आपका लगा हुआ है, ठीक है ना, वहां पे ले जाके लगा दो, तो ये क्या करेगा, इसको सरफेस पे लगाओगे और सरफेस से एयर में कोई मिसाइल आ रहा हो
कोई जहाज आ रहा हो या कोई और कुछ भी, यूएवी आ रहा हो, कुछ भी एक्स वाई जेड उड़ने वाली चीज आ रही हो, पत्थर भी आ रहा हो, यार पत्थर तो मजाक की बात है, पत्थर तो नहीं फेंकेगा ना कोई युद्ध में, तो जो भी चीजें आ रही है, जो भी युद्ध में चलती है, तो उसको ये हवा के हवा में ही इसको मार देगा। ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ओके, तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया है हमारा, न्यू जनरेशन वाला, जो कि पहले भी था। और इसको कौन बना रहा है यार? इसको बीडीएल और बीईएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड ऑफकोर्स बीईएल प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका डेवलप करा गया है डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है ना। तो ये सक्सेसर है आकाश और आकाश वन एस का, आकाश मिसाइल का, आकाश वन एस मिसाइल का। इसमें ऐसा लगा हुआ है क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है भाई कि यहाँ पे जो मिसाइल है आपका, उसके आगे ही इसके अंदर एक एंटीना लगा दिया गया है जो एमिट कर रहा है रेडिएशन, इन द सेंस आपकी वेव्स एमिट कर रहा है, एंड ऑफकोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि इसके रडार को डिटेक्ट करने में और भी ज्यादा आसान करती है इसे, एंड ऑफ कोर्स ये और भी ज्यादा क्या हो जाता है, किलर हो जाता है, मतलब खतरनाक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जाके मारता है ये, बिल्कुल ठीक है ना। मतलब मिसाइल एक बार छोड़े तो छूटेगी नहीं, ऐसा नहीं कि वो मिसाइल में जाके मारेगा, ऐसा नहीं है कि जाके मिसाइल में मारेगा, मिसाइल अगर कहीं से आ रही होगी तो ऑफकोर्स उसके पास जाके बर्स्ट हो जाएगा, उसके पास जाकर के मिसाइल बर्स्ट हो जाती है, तो जिससे कि वो मिसाइल आपके आपका जो आपको मारने के लिए आ रही होती है ना वहां पे नहीं आ पाती। समझ में आई बात है? नहीं आई। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है यार, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये आया कि भाई जो उसकी सेकंड स्टेज होती थी ना, पहले जो आकाश होते थे उसके अंदर क्या यूज होते थे, उसमें रैमजेट इंजन यूज होते थे, ठीक है ना। इसको एक नाम और कहते हैं एयर ब्रीथिंग रैमजेट इंजन, एयर ब्रीथिंग सॉलिड रैमजेट इंजन। होता क्या था यार, इसके अंदर जो इंजन लगा होता था पहले आकाश मिसाइल में, वो कुछ इस टाइप का होता था कि यार ये जो इंजन है इसके आगे ना थोड़ा सा इस तरह से हवा के लिए स्पेस बना होता था, तो फिर क्या होता था बेसिकली यार कि यहाँ से जो है हवा आ रही है आपकी, ठीक है ना, बेसिकली। तो ये रैमजेट को बेसिकली एयर ब्रीथिंग इसको क्यों बोल रहे हैं कि इसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा हवा की जरूरत होती है ताकि उसको उतने ही प्रेशर से पीछे फेंके, तो जितनी हवा को सक करेगा ये उतनी हवा को पीछे फेंकेगा। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी थी यार, ये टेक्नोलॉजी मतलब थोड़ी सी हैवी थी, बल्कि थी, एंड ऑफकोर्स इसके अंदर जो था मतलब कि पहले पहली स्टेज में बहुत तेज स्पीड चाहिए होती थी क्योंकि हवा बहुत तेजी से अंदर आनी चाहिए तभी रैमजेट इंजन काम करेगा, नहीं तो रैमजेट इंजन काम नहीं करेगा। खैर रैमजेट इंजन की क्लास नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, तभी ये काम करेगा, वैसे काम नहीं करेगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक सा था, मतलब काफी टाइम के लिए अच्छा था, लेकिन हर चीज का एक एडवांसमेंट आता है, तो फिर वही एडवांसमेंट आया कि अब इस रैमजेट इंजन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हल्का बना दिया गया। तो पहले बल्कि था, अभी हल्का हो गया। तो हो गया, हुआ क्या इसके अंदर कि ये जो रैमजेट पहले वाले आकाश में था, अब इसमें क्या करा है, हटा दिया गया इसे, एंड ऑफकोर्स क्या हुआ कि अब इसमें रेंज जो है बढ़ चुकी है, पहले वाले की 40 किलोमीटर रेंज थी और अभी जो हमारा आकाश एनजी है उसकी 80 किलोमीटर रेंज, 80 किलोमीटर दूर से इसको भगा देगा जो भी कोई मिसाइल या कुछ भी हमारे पास आ रहा होगा हमको मारने के लिए, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही जबरदस्त एक डेवलपमेंट है यार, इस चीज को आप देख सकते हो कि रैमजेट को हटाया, बल्कि से इसको हल्का बना दिया और आसानी से ये काम कर सकता है, ठीक है। होपफुली चीज समझ में आ गई होंगी आपको। अगली चीज है यार, फाइनली डीआरडीओ ने टेस्ट कर लिया VLSRSAM। ये VL क्या है सर? ये VL है वर्टिकली लॉन्च। क्या बात है, देख रहे हो सीधा जा रहा है, कोई एंगल नहीं है, वर्टिकली लॉन्च। अब तक तो जैसे कि मैं बता ही रहा था है ना, अब तो वर्टिकली लॉन्च की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी ना। चलिए तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको ये वर्टिकल लॉन्च की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। बेसिकली ये भी एक VLSRSAM, ये भी आपका एक डिफेंस सिस्टम ही है, एयर डिफेंस सिस्टम ही है ये। लेकिन इसके अंदर एक खास बात है कि ये स्पेशली शिप्स वगैरह के लिए डिजाइन करा गया है, ओशंस के अंदर शिप्स वगैरह के लिए। तो इसमें सीन क्या है, क्योंकि देखो शिप जब चल रही है तो उसके तो चारों तरफ से खतरा आ सकता है, हालांकि कंट्री में भी चारों तरफ से खतरा आ सकता है, लेकिन ठीक है कंट्री में फिर भी पता है ना कि इंडिया इस साइड है या चाइना उस साइड है, तो अगर कुछ आएगा तो वहीं से आएगा, पाकिस्तान इस साइड आएगा तो यहीं से ही आएगा, तो वहां पे आकाश काम करता है। लेकिन यहाँ पे समझ रहे हो ना, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि भाई शिप के ऊपर हमारा है ना, कि हमारा शिप जा रहा है ना, और शिप के ऊपर आपने एक साइड ही आकाश लगा रखा, नहीं, यहाँ पे तो भाई यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ऑफकोर्स खुले समुद्र में कहीं से भी आ सकता है। तो होता क्या है कि खुले समुद्र में कहीं से भी ना आए तो ये वर्टिकल लॉन्च करता है, ठीक है ना, वर्टिकल लॉन्च करता है और कहीं से भी आ रहा होता है उसको इंटरसेप्ट कर देता है, कहीं से भी आ रहा हो, ठीक है ना, उसको जा करके वहीं फोड़ देगा। तो ये एक बहुत एक अच्छा एडवांसमेंट है, इंडिया ने अपना भी बना लिया, रशिया का नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या सीन है कि ये 22 फरवरी 2021 को उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट है ना, चांदीपुर रेंज सुना होगा आपने, अधिकतर मिसाइल वहीं से होती है, इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना। और इसका लॉन्च द मेडन लॉन्च टेस्टेड द एफिकेसी ऑफ वर्टिकल लॉन्च सिस्टम एंड मिसाइल्स मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज, मैक्सिमम मिनिमम रेंज पे इसको टेस्ट किया गया। बोथ द मिसाइल, दो मिसाइल लॉन्च करी गई है और दोनों दोनों मिसाइल जो है सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर दिया उन्होंने अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, बेहतरीन तरीके से। सो ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है यार, ये ध्यान रखना, अस्त्र सीरीज जो थी हमारे पास, जैसे आकाश एनजी आकाश के ऊपर बेस्ड है, ऐसी जो अस्त्र सीरीज थी हमारे पास उसके ऊपर बेस्ड है अस्त्र Mark 1। ये एयर टू एयर मिसाइल है ना, जहाँ पे आपका शॉर्ट स्पैन के लॉन्ग कॉर्ड विंग्स होते हैं, वो जो विंग्स वाली देखी होंगी अपनी मिसाइल्स वगैरह चलती हुई लगा था, ठीक है ना। तो ये
खासियत इसकी क्या है यार, खासियत इसकी है वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, खासियत इसकी यही है। और ये नेवल प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, किसके लिए बनाया गया है, नेवल प्लेटफॉर्म्स के लिए। और इसके एक चीज़ और ज़बरदस्त है इसके अंदर कि यार इसको जो है कैन बी इंस्टॉल ऑन शिप, ऑफकोर्स इसको शिप के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक साथ इसके ना आठ 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 आप मिसाइल्स इससे एक साथ छोड़ सकते हो। यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिए जरा, एडिशनल जेट थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल रिएक्शन वर्टिकली लॉन्च, ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया है। नाउ ईच वर्टिकल लॉन्च सिस्टम कैन होल्ड अप टू एट मिसाइल फॉर हॉट लॉन्च एंड मल्टीपल लॉन्च सिस्टम्स कैन बी इंस्टॉल ऑन अ शिप। तो क्या रहेगा, जैसे शिप के ऊपर देखा होगा ना आपने, एक साथ काफ़ी सारे बॉक्स इस तरह से बने रहते हैं, तो इस तरह से आठ बॉक्स और आठ मिसाइल्स आप एक साथ इस तरह से इसमें से हॉट लॉन्च एक साथ कर सकते हो, मतलब सीधा वर्टिकल लॉन्च होगी, क्योंकि इस तरह से इधर उधर जिगजैग कुछ नहीं जा रहा, सीधा वर्टिकल लॉन्च होगी, तो आठ एक साथ इसमें से निकल सकते, तो अपने आप में काफ़ी पावरफुल काफ़ी एक्यूरेट बन जाता है, ठीक है। एंड फाइनली ये चीज़ तो है यार, 360 डिग्री का आपको देता है, क्यों देता है 360 डिग्री का प्रोटेक्शन, क्योंकि ये VLS है, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है, शिप पे लगाओ और भूल जाओ, कहीं से भी कुछ भी आ रहा है ये उसको बिल्कुल फोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं। ओके गाइस, तो ये था आपका DRDO में जो भी अभी डेवलपमेंट चल रहा है। अगर इसमें कुछ आगे और डेवलपमेंट होता है, जो कि कुछ पॉइंट्स होंगे, तो हम आगे सीरीज लेकर के आएंगे यार, और भी ये आपके ES के लिए इंपॉर्टेंट था जो भी डिफेंस के अंदर चल रहा है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये आपकी जानकारी इंपॉर्टेंट रहेगी। होपफुली आपको मजा आया होगा, अगर मजा आया ये सीरीज ये लेक्चर्स अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलना यार, लाइक और शेयर तो करो बिल्कुल, है ना, हर जगह पे, टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक हर जगह पे शेयर करो इसे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बेल आइकन दबा देना। कल को आई थिंक कुछ दिक्कत हो रही थी कि बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन नहीं हो रहे थे, फाइनली उसको मैंने हटा दिया है, अभी ये ऑन हो जाएगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गेट ग्लोब को, अपने चैनल को, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यार, यहाँ पे जरूर से जरूर आ जाना, जो बच्चे नहीं है सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। लेक्चर के बाद टेस्ट होगा, वो भी इस पे होगा, क्विज टेस्ट, ठीक है ना, जो कि मैं लेक्चर के एकदम बाद, अगर 9 बजे से, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, 9:30 बजे तक खत्म हो रहा है अगर, तो उसके बाद 9:40 से आपका टेस्ट शुरू होगा, आपका करंट अफेयर्स को लेकर के, जो कि इसी लेक्चर पे बेस्ड होगा और वो इसी चैनल पे होगा, है ना, इस टेलीग्राम चैनल पे। और उसके बाद यहाँ पे आपको इसी लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे, PDF आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, मैं अपलोड करूंगा, ठीक है ना। एंड ये है हमारा फेसबुक पेज, आप मेरे फेसबुक पेज पे आके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पे अतुल फॉरगेट सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा फेसबुक पे, और यहाँ पे आप कोई भी सजेशन अपने, कुछ भी पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ाना है, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, मैथमेटिक्स भी है, काफ़ी कुछ आने वाला है आगे, ठीक है। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं आप, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स या कोई भी सजेशन आपके पास हो, आप मेरे से आगे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मजा आया आप लोगों के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।